गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास इलेवेंथ मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर टेन और आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टेन पॉइंट टू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर टेन आपके पास गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू माइनस थ्री फाइव एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट टू कामा फाइव एंड माइनस थ्री सिक्स हमें क्या फाइंड करना है एज यूजल क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है स्ट्रेट लाइन तो हमें हर क्वेश्चन में मोस्टली क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन राइट अब हर बार कंडीशन हमारे पास थोड़ी थोड़ी डिफरेंट रहेगी एक पॉइंट से पास हो रहा है लेकिन केस कौन सा दिया है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के लिए उन्होंने फिर दो पॉइंट्स दिए हैं टू द लाइन थ्रू द पॉइंट टू कोमा फाइव एंड माइनस थ्री कामा सिक्स तो ये क्या है कि एक लाइन है और ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर के लिए एक ये पॉइंट हो गया एक ये पॉइंट हो गया राइट अब ये क्या देखे जाए तो हमारे लिए स्लोप का काम करेगा तो इन दो पॉइंट से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे स्लोप निकालेंगे तो देखिए सॉल्यूशन के लिए गिवन पॉइंट्स आर टू कॉमा फाइव एंड माइनस थ्री सिक्स फर्स्ट पॉइंट हमारे लिए हो जाएगा एक्स वन वाई वन नाउ द सेकेंड पॉइंट इज एक्स टू वाई टू वी नो दैट स्लोप एम इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन अब देखिए वाई टू माइनस वाई वन में हमने पुटअप करा सिक्स माइनस फाइव और एपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन को पुटअप करा माइनस थ्री माइनस टू नाउ क्लियर अब देखिए सिक्स माइनस फाइव कितना बन गया वन और माइनस थ्री माइनस टू बन गया माइनस फाइव क्लियर इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एम ज माइनस वन बाय फाइव नाउ क्लियर अब वी नो दैट टू नॉन वर्टिकल लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर दो नॉन वर्टिकल लाइन आपस में क्या है वर्टिक परपेंडिकुलर है ईच अदर एक दूसरे के साथ कैसी है परपेंडिकुलर राइट अदर ईच अदर इफ एंड ओनली इफ इफ देयर स्लोप आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर मतलब इसका जो स्लोप है वो कैसा है नेगेटिव रेसिप्रोकल है मतलब माइनस वन अपॉन में राइट right? तो अगर हम यहाँ पर स्लोप काउंट करें तो एम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस वन बाय एम राइट तो जो हमने एम निकाला वो हम यहाँ अप कर देंगे तो देखिए माइनस वन अपॉन में माइनस वन बाय फाइव तो फाइनली कितना हो गया फाइव हो गया कैसे क्योंकि परपेंडिकुलर वाला केस होता है एम वन एम टू इक्वल्स टू माइनस वन एक स्लोप हमारे पास गिवन था माइनस वन बाय फाइव एम टू हमें दूसरा फाइंड करके क्वेश्चन में पुट अप करना है तो एम टू इक्वल्स टू यहाँ से कितना हो गया फाइव कब हुआ क्योंकि परपेंडिकुलर केस है पैरेलल केस बोलता है तो एम वन इक्वल टू एम टू जितना एम रहता है दूसरा वाला भी एम उतना ही होता है लेकिन परपेंडिकुलर केस बोला तो हम ये वाला फार्मूला हमेशा अप्लाई करेंगे आप उसको अदर वर्ड में इस तरीके का बोल सकते हो लेकिन हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछे परपेंडिकुलर केस तो आप क्या लिखोगे एम वन एम टू इक्वल्स टू माइनस वन ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है वी नो दैट द पॉइंट एक्स कोमा वाई लाइज ऑन द लाइन विथ स्लोप एम थ्रू द फिक्स पॉइंट एक्स जीरो वाई ज़ीरो इफ एंड ओनली इफ इट्स कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई द इक्वेशन वाई माइनस वाई जीरो क्वल टू एम एक्स माइनस एक्स जीरो अब एक्स जीरो बाई जीरो तो क्या हो जाएंगे जो कि पॉइंट गिवन था एम आप कैसे निकालोगे जो हमने निकाला कैसे अब हमेशा याद रखना कि जब भी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन बोले और एक पॉइंट से पास हो रही तो डेफिनेटली ये वाला फॉर्मूला लगेगा अब इस फॉर्मूला में एक्स जीरो जीरो है एम है क्या नहीं एम के लिए कंडीशन दी परपेंडिकुलर केस अगर परपेंडिकुलर केस बोला तो पहले वहाँ से हम एम निकालेंगे और परपेंडिकुलर केस से हम दूसरा वाला एम निकाल के पुटअप करेंगे और अगर पैरेलल बोला तो वही एम हम पुटअप कर देते तो देखिए अब हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे वाई माइनस वाई ज़ीरो तो वाई ज़ीरो की प्लेस पे रखा फाइव एम की प्लेस पे भी रखा फाइव क्योंकि एम हमने अभी फाइव निकाला है एक्स माइनस एक्स जीरो तो एक्स जीरो की प्लेस पे माइनस थ्री राइट वाई माइनस फाइव एज इट इज इक्वल्स टू में मल्टीप्लाई करा फाइव एक्स ये हो गया प्लस का थ्री फाइव थ्री जा फिफ्टीन ये टर्म एज इट इज़ देखिए फाइव एक्स प्लस फिफ्टीन एज इट इज़ लिखी प्लस का वाई राइट साइड गया माइनस वाई माइनस का फाइव राइट साइड गया प्लस का फाइव क्लियर तो अरेंज करा तो क्या हो गया फाइव एक्स माइनस वाई फिफ्टीन प्लस फाइव कितना हो गया प्लस का ट्वेंटी तो हम लिख सकते हैं दे आर द इक्वेशन ऑफ द लाइन ट्वेंटी इक्वल टू जीरो क्या हो गया हमारा आंसर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट टू कॉमा थ्री अब इंटरसेप्ट वाला कंडीशन है और इक्वेशन फाइंड करना है तो बेसिक फार्मूला क्या होता है इंटरसेप्ट का हमारे पास एक्स बाय प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन इंटरसेप्ट मतलब ये एक्स एक्सिस है आपके लिए ये वाई है एक लाइन इंटरसेप्ट कर रही है ए डिस्टेंस पे और ये बी तो एक्स एक्सिस पे ए पे कट कर रही है और वाई पे बी पे तो ये बेसिक फार्मूला हमारे पास इंटरसेप्ट कंडीशन के लिए इक्वेशन टू द लाइन का तो देखिए क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में सॉल्यूशन गिवन द लाइन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस देखो एक्स एक्सिस पे ए पे कट होता है और वाई पे बी पे अब वो बोल रहा है इक्वल इंटरसेप्ट मतलब दोनों की वैल्यू सेम है तो एक वस्तु कितना हो जाएगा बी तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस राइट तो इक्वेशन टू द लाइन क्या होती है इंटरसेप्ट के लिए एक्स अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन में बी इक्वस टू वन राइट लेकिन देखो एक्स बाय ए लिखा प्लस वाई बाय ए क्यों क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट बोले राइट तो ये क्या हो गया एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई क्वस्ट टू ए लेकिन वो बोल रहे है कि ये पॉइंट इक्वेशन किसी पॉइंट से पास हो रही है राइट तो गिवन पॉइंट क्या है टू कोमा थ्री तो जब ये इक्वेशन इससे पास हो रही तो एक्स और वाई की प्लेस पर ये पॉइंट पुटअप कर देंगे तो देखिए एक्स की प्लेस पर रखा टू वाई की प्लेस पर थ्री इट मीन्स द वैल्यू ऑफ ए कितनी मिल गई हमें फाइव इस ए की वैल्यू को हम वापस से पुट पुटअप कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट देन वी गेट तो एक्स प्लस वाई इक्व टू फाइव प्लस फाइव लेफ्ट साइड आया तो काय का बन गया माइनस का फाइव तो हम बोलेंगे एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इक्वस टू जीरो और प्रॉपर वे में इस इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे देयर फोर द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो हो गया हमारे लिए आंसर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मेट इट एट द पॉइंट माइनस टू कॉमा नाइन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन अब आप देख रहे होंगे कि हर एक क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है गिवन है अलग अलग कंडीशन और फाइंड हमें एक जैसे फाइंड करना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन क्लियर तो देखिए सॉल्यूशन सॉल्यूशन में क्या क्या गिवन है सबसे पहले पॉइंट से पास हो रहा है मतलब ये बेसिक फार्मूला लगेगा सबसे पहले ये क्लियर है जिसमें एक्स जीरो वाई जीरो की वैल्यू गिवन है अब एम बोला है और एम के लिए कौन सा फॉर्म बोल दिया परपेंडिकुलर तो पहले हम यहाँ से परपेंडिकुलर निकालेंगे साथ में यहाँ से परपेंडिकुलर तो निकालेंगे साथ में उसको क्या करेंगे हम परपेंडिकुलर से एम को चेंज करेंगे राइट जैसा कि हमने पिछली क्वेश्चन में करा था तो देखिए सबसे पहले नाउ द गिवन पॉइंट्स आर ओरिजिन और दिस ओरिजिन पॉइंट गिवन है जीरो कॉमा जीरो एंड दूसरा पॉइंट गिवन है माइनस टू कॉमा नाइन वी नो दैट द स्लोप एम इक्वल्स टू स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या होता है वाई टू माइनस वाई वन अपन में एक्स टू माइनस एक्स वन ये वन है अब यहाँ पर हम क्या करेंगे वैल्यू पुटअप करेंगे वाई टू माइनस वाई वन मतलब नाइन माइनस जीरो अपन में एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस टू माइनस जीरो रख दिया तो वैल्यू कितनी आई माइनस नाइन बाई टू राइट अब हम यहाँ से हमारे पास परपेंडिकुलर का केस क्या होता है एम वन एम टू इक्वल्स टू माइनस वन यहाँ हमने वैल्यू पुटअप करी माइनस नाइन बाई टू एम टू इक्वल्स टू माइनस वन तो एम टू की वैल्यू कितनी हो गई टू बाय नाइन तो जो इक्वेशन में हम पुट अप करेंगे ये पुट अप करेंगे परपेंडिकुलर वाला बट इसको अदर वर्ड में क्वेश्चन में क्या लिखा है या तो आप इस तरीके का कैलकुलेशन करो या इस तरीका का right? राइट तो देखिए वी नो दैट द टू नॉन वर्टिकल लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ़ एंड ओनली इफ दे आर स्लोप आर नेगेटिव रेसिप्रोकर ऑफ ईच अदर दोनों का मीनिंग सेम ही है राइट right? तो इससे एम की कितनी वैल्यू आ गई टू बाई नाइन यहाँ पर भी देखो टू बाई नाइन थी तो हम जो इक्वेशन है उसमें यही वैल्यू पुटअप करेंगे वी नो दैट द पॉइंट्स एक्स कोमा वाई लाइज ऑन द लाइन विथ स्लोप एम थ्रू द फिक्स पॉइंट एक्स जीरो वाई ज़ीरो इफ एंड ओनली इफ इट्स कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई द इक्वेशन वाई माइनस वाई ज़ीरो इक्वल्स टू एम इन ब्रेकेट एक्स माइनस एक्स ज़ीरो अब देखिए यहाँ पे वाई ज़ीरो की प्लेस पे नाइन रख दिया एम की प्लेस पे रखा टू बाई नाइन और एक ज़ीरो की प्लेस पे अगेन माइनस टू कैलकुलेशन करा तो जो डिवाइड का नाइन था इसके साथ कई में गया मल्टीप्लाई में तो ये हो गया नाइन इंटू में वाई माइनस नाइन टू टू का मल्टीप्लाई करा एक्स प्लस टू में राइट अब अब ब्रेकेट्स को ओपन कर देंगे कितना हो गया नाइन वाई नाइन नाइन जा एटी वन टू का मल्टीप्लाई एक्स में करा तो टू एक्स और टू टू जा फोर क्लियर अब टू एक्स प्लस फोर एज इट इज प्लस का नाइन भाई राइट साइड गया तो क्या का हो गया माइनस का नाइन वाई और माइनस का एटी वन गया तो प्लस का एटी वन क्लियर तो देखिए टू एक्स माइनस नाइन भाई प्लस फोर प्लस एटी वन कितना हो गया एटी फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो तो हम बोल सकते हैं देयर फोर द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज टू एक्स माइनस नाइन भाई प्लस एटी फाइव इक्व टू ज़ीरो और ये क्या हो गया हमारे लिए Answer right, thank you.